वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि समय के साथ साथ अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। बात अगर हिमाचल की जाए तो प्रदेश की भाजपा सरकार ने COVID-19 से हुए आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सरकारी खर्चों में कटौती की है, ताकि कुछ हद तक आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाए। लेकिन इसी बीच सरकार की बेलगाम अफसरशाही सरकारी खजाने को चूना लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कोरोना उपकरण खरीद से जुड़े तथा कथित घोटाले के सामने आने के बाद भी कुछ एक विभागों में उच्च पदों पर बैठे अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला हिमाचल पथ परिवहन निगम का है, जहां उच्च पद पर बैठे एक अधिकारी द्वारा अपने अधीन आने वाले कर्मचारी से निजी घर का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। यह कर्मचारी HRTC की तारादेव स्थित वर्कशॉप में कार्यरत है, लेकिन बड़े साहब से मिले आदेश के मुताबिक कर्मचारी वर्कशॉप के बजाय साहब के संजोली में निर्माणाधीन भवन में इंटीरियर डेकोरेशन के कार्य में जुटा है। इस बीच कर्मचारी की तारादेवी वर्कशॉप में हाजिरी भी लग रही है। इतना ही नहीं, बड़े साहब के घर का काम करने के बाद बकायदा साहब की सरकारी गाड़ी शहर से 35 किलोमीटर दूर इस कर्मचारी को घर छोड़ने और स्पेशल घर से लाने भी जाती है। इस काम के लिए सरकारी ड्राइवर की भी ड्यूटी लगाई गई है। चैनल 9 की टीम ने जब इस पूरे मामले की तहकीकात की तो मामले की सच्चाई सामने आ गई। साहब का घर का काम पूरा करने के बाद सरकारी गाड़ी में घर लौट रहे इन कर्मचारियों ने कैमरे के सामने अपनी मजबूरी बयान की। कहा कि छोटे कर्मचारी हैं, ऐसे में बड़े साहब के आदेशों को कैसे टाल सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? संजोली से जी। कहाँ जा रहे हैं? ये नीचे क्या नाम है? सुजाना। ये गाड़ी किसे अलॉट है जी? ये है जी GM कपड़े साहब को है जी। अलॉटमेंट तो नहीं है, पर है तो फ्लाइंग गाड़ी पर आजकल ड्यूटी उनकी है जी। तो आज तो छुट्टी भी है, तो ये ड्यूटी पे कैसे गाड़ी और कहाँ ले जा रहे हैं आप? उनकी एब्सेंस में कहाँ जा रहे हैं सर? अब उनके देश है सर, अब हम तो बॉस के देश मानेंगे जी। उन्होंने बोला कि भी इनको छोड़ना है जी। कहाँ छोड़ने जा रहे हैं इनको? और ये कौन है? सुजाना जी। मास्क थोड़ा नीचे करो अपना आप। ये कौन है साथ में, ये जो जा रहे हैं? ये कौन? ये हाँ जी, आप क्या करते हैं जी? आप कौन है? आप कहाँ जा रहे हैं? आ बाहर आ जाओ। कारपेंटर। आ जाओ बाहर आ जाओ। पीछे सिंह जी, कहाँ से आ रहे भाई साहब आप? मैं कपिल साहब के था पर। क्या काम कर रहे थे आप वहाँ पे? कारपेंटर का काम थोड़ा बहुत उनके था ना। कहाँ काम करते हैं आप इसके अलावा? मैं तो बस तारादेवी में हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में? HRTC। तो आप प्राइवेट काम करने क्यों गए उनका? प्राइवेट काम क्या सर, जब ऑर्डर हो गए तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी हमारे को तो। अच्छा जी, कब से काम कर रहे हैं आप वहाँ पे? ये कल बुलाया था उन्होंने। काय का काम चल रहा है वहाँ? वो अपने घर में ही था उनके, थोड़ा सा फर्नीचर का काम। बस एक ही दिन हुआ अभी जाकर आपको वहाँ पे? कल था आज। दूसरा दिन है आज? दो दिन से जा रहे हैं आप? हाँ जी। तो आपको छोड़ने जा रही है गाड़ी? ये तो भेजा हुआ साहब ने, अभी इनको ड्यूटी तो सब करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, जब साहब ने बोला होगा तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। कितने दिन से आ रहे हैं जी आप? दो दिन से आ रहे हैं? हाँ जी। दो दिन से मिल रही है आपको गाड़ी की फैसिलिटी? कल कौन सी गाड़ी थी? 3578 नोट करें जी, कल 3578। आपको गाड़ी बदल बदल के बोल रहे हैं, वो बदल बदल के भेज रहे हैं आपको? नहीं सर, वो गाड़ी एक्चुअली वो CO साहब की गाड़ी थी जी, तो आगे CO साहब ने यूज कर दी है, गाड़ी खड़ी थी तो इसको लेके चल रहा हूँ। किसने आदेश दिया आपको इनको छोड़ने के? मेरे को दिए जी GM साहब ने, नवीन का प्रश्न। लॉग बुक भरी है कोई? सर कहाँ? तो हेड ऑफिस में दफ्तर देखकर। जो जब लॉग बुक ही नहीं भरी गई है तो आप छोड़ने कैसे जा रहे हैं सर? वो पर दफ्तर बंद था ना जी आज सर, गाड़ी रोकी है जी। हाँ वहीं कर्मचारी नेताओं ने भी निगम की इस उच्च अधिकारी की मनमानी पर सवाल उठाए हैं और सरकार से ऐसे अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। पिछले कुछ दिनों से जो मुझे परिवहन निगम में ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कुछ एक अधिकारियों के द्वारा जो है अपनी गाड़ियों का जो है पर्सनल दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते जो है हम 2-3 दिन से जो है इसी चीज़ के पीछे पड़े हुए थे। आज हमने जो है संडे का दिन इसीलिए सुनिश्चित किया कि इस कंप्लेंट को जो है तथ्य के साथ जो है हम यहाँ पे सबके समक्ष जो है पेश कर सकें। आज जब मैं
सुगोधी से अपनी गाड़ी लेके आ रहा था, तो मुझे एक गाड़ी वहाँ पे दिखी 8749, ये हमारी HRTC की गाड़ी है और साइंस फेयर की गाड़ी है। इसमें जो है एक श्रीमान जी बैठे हुए थे जो कि अपना नाम बताते हैं दिनेश शर्मा जी, कि HRTC में मैं कार्यरत हूँ और नवीन कप्पस जी के जो कि जनरल मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके घर में काम करने गया था और पिछले कल भी गया था। पिछले कल जो है इनको दूसरी गाड़ी छोड़ने आई थी जो कि FNCA को अलॉट है और FNCA श्री अनिल चौहान जी जो है आजकल छुट्टी पे हैं, तो उनकी गाड़ी का लुत्फ जो है कोई और उठा रहा था। और यहाँ परिवहन निगम में इतनी वित्तीय हालत इतनी खस्ता है कि हम जो है पाई पाई करके जो है इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड के चलते जो है यहाँ पिछले कुछ महीने से हमें जो है तनख्वाह के लिए भी लाले पड़े हुए थे, जहाँ हमने अपने खर्चों को कटेल किया और यहाँ पे कुछ एक अधिकारी जो है वो इन खर्चों को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, यहाँ तनख्वाह लेने के लिए लाले पड़े हुए हैं। हमने इस बात की पहले भी जो है लिखित रूप में शिकायत की, हालांकि कोविड के चलते भी इन्होंने जो है गाड़ी का दुरुपयोग किया। मैंने उसकी जो है RTI मांगी थी, RTI के बावजूद जो है मैंने उसकी GPS स्टेटमेंट है वो भी मांगी थी कि ये किस आदमी के लिए अलॉट है और कौन इसको जो है वो सर जो ये गाड़ी है आज जो आपने ये पकड़ी है ये किसे अलॉट है और इसका गाड़ी जो है बेसिकली फ्लाइंग के लिए अलॉट है और फ्लाइंग का इसमें कोई भी अधिकारी अभी इस समय जो है स्थान पे उपस्थित नहीं है, ना ही किसी फ्लाइंग जो जिस भी आदमी ने इसको आदेश दिए हैं वो पर्टिकुलरली इस आदमी को घर को छोड़ने किस के किस अधिकारी पे आरोप है सर आपका? ये जो हमारे GM ऑपरेशन है मिस्टर नवीन कप्पा जी, डॉक्टर नवीन कप्पा जी, ये अभी मेरी उनसे बात हुई दूरभाष पे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं इस गाड़ी को जाने दीजिए, मैं इसे पर्सनल जर्नी में पकड़ूंगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस गाड़ी को पकड़ा ना जाता तो ये पर्सनल जर्नी में होती या सरकारी जर्नी में होती, हमें तो सीधा सा सवाल चाहिए मैनेजमेंट से भी। आई वॉज ट्राइंग मिस्टर यूनिस नंबर मैनेजिंग डायरेक्टर HRTC के हैं जो, वो अभी मेरा फोन पिकअप नहीं कर रहे हैं। इस बात को जो है मैं सरकार के समक्ष भी उठाऊंगा, माननीय मंत्री महोदय से भी बात करूंगा, इस प्रकार की जो है गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषी कर्मचारी के प्रति जो है कल जो है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, अन्यथा जो है हम परिवहन निगम के चक्का सब कुछ बंद कर देंगे, जितने भी अधिकारी है उनको पैदा लाने पर मजबूर करेंगे। जब कर्मचारी जो है इस विकट परिस्थिति में अपने संयम की परीक्षा संयम का परिचय दे सकते हैं तो अधिकारियों को क्या तकलीफ है। वहीं जब इस पूरे मामले को परिवहन मंत्री के समक्ष उठाया गया तो उन्होंने तथ्यों के साथ शिकायत मिलने पर अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सड़क विभाग के अधिकारी के खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने HRTC के कर्मचारी को अपने निजी कार्य में लगाया और जो विभाग की उनको गाड़ी मिली थी उसका उपयोग भी वो अपने निजी कार्य के लिए कर रहे हैं। सर ये मामला आपके ध्यान में है और उस पर क्या कार्रवाई कर? मेरे ध्यान में नहीं है, आपने लाए हैं, कोई ऐसा बंदा है उसका नाम दो मेरे पास, अलग से दे देना। आपके GM के खिलाफ ये मामला? नहीं ऐसा नहीं, मेरे पास नहीं आया भाई, आएगा तो जरूर एक्शन करेंगे, कहीं अखबार वगैरह में आया होगा। ड्राइवर मान रहे हैं कि मेरे को ऑर्डर किया गया कि आपको साथ में बैठे हैं और वो मिस्त्री भी मान रहा है कि मुझे निजी कार्य में उन्होंने, आप मेरे पास दे दीजिए एक्शन लूंगा 100% लूंगा, अभी तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। बहरहाल टीवी स्क्रीन में साफ दिखाई गई तस्वीरों और तथ्यों के बाद आखिर इन बड़े साहब पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा।